हेलो मित्रों, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे ही होंगे। चलिए, अच्छे नहीं है कोई बात नहीं, अच्छे हो जाइए। ठीक है, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं ज्योग्राफी ऑनर्स और रांची यूनिवर्सिटी के लिए जानेंगे, आपका साथ ही नीलाम्बर पीताम्बर यूनिवर्सिटी का जानेंगे और आपका DSPMU का भी इसी में काम दे देगा, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी। ठीक है, ज्योग्राफी ऑनर्स सेमेस्टर 1 to 8 यानी कि 4 साल का ग्रेजुएशन भी पूरा का पूरा। सेशन कौन सा? तो 22-26 का भी काम देगा, 23-27 का भी काम देगा और आने वाले 24-28 चाहे फ्यूचर में जो भी आएंगे उन सभी का काम देगा, जब तक कि आपका चेंज नहीं हो जाता है। ठीक है, अब देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपका सेमेस्टर 1 to 8 सभी का पूरा सिलेबस क्या रहने वाला है। ठीक है, तो ये आपका एक प्रैक्टिकल पेपर भी है, साथ में प्रैक्टिकल भी जानेंगे और इसका मैं पूरा का पूरा PDF आपको दे दिखा दूंगा। पहले समझा देता हूँ एक बार कि क्या क्या रहेगा, किस टाइप से रहेगा सब कुछ। ठीक है, तो पूरा का पूरा जो ग्रेजुएशन है आपका सेमेस्टर 1 to 8 तक, ये देखिए सेमेस्टर 1 में आपका यहाँ पे क्या क्या सब्जेक्ट मिलेगा। सेमेस्टर 1 में टोटल 6 सब्जेक्ट, सेमेस्टर 1 से 4 तक सभी में 6-6 सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, सेमेस्टर 1 से 4 तक सभी में 6-6 सब्जेक्ट, कुल मिला के 24 सब्जेक्ट सेमेस्टर 1 से 4 तक। और सेमेस्टर फिर 5 से 8 तक, मतलब प्रथम 2 साल में 24 सब्जेक्ट पढ़ना है और अंतिम 2 साल में 20 सब्जेक्ट पढ़ना है, कुल मिला के 44 सब्जेक्ट पढ़ना है। ठीक है, टोटल 44 सब्जेक्ट हैं आपके और ये आपका 4000 मार्क्स का है। कितना? 4000 मार्क्स का। ठीक है, 160 क्रेडिट, 4000 नंबर का पूरा का पूरा ग्रेजुएशन होगा आपका, जिसमें से सेमेस्टर 1 में आपके 6 सब्जेक्ट हैं। इसमें से अभी क्या क्या सिलेबस मिलेगा आपको वो चीज मैं बता देता हूँ। तो अभी इस वीडियो में आपको क्या क्या सिलेबस मिलेगा देखिए, यहाँ पे तो आपको जो सिलेबस दिया जाएगा वो दिया जाएगा, कहाँ गया यार, मेजर पेपर का दिया जाएगा। ठीक है, माइनर पेपर का दिया जाएगा, IC का दिया जाएगा और आपका सॉरी IC का नहीं मिलेगा इसमें, इसमें उसका IC का अलग से। ठीक है, IC का अलग से, तो मेजर माइनर सेक ये 3 पेपर का भी आपको सिलेबस मिलेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं समझ में आएगा, देखते जाएंगे। तो सबसे पहले सेमेस्टर 1, इसमें आपको 6 सब्जेक्ट हैं। ठीक है, टोटल जो मेजर पेपर है आपके, टोटल मेजर पेपर मतलब आप ऑनर्स पेपर 20 को पढ़ना है पूरा का पूरा ग्रेजुएशन कंप्लीट करने तक। देखिए 20 को एडवांस मेजर पेपर पढ़ना है आपको 3 को। ठीक है, और वहीं पे आपका सेक पेपर पढ़ना है 3 को, इसका भी सिलेबस जानेंगे, मेजर पेपर का सिलेबस जानेंगे, सेक पेपर का सिलेबस जानेंगे। ठीक है, और साथ में जानेंगे हम लोग माइनर पेपर का सिलेबस। ठीक है, तो जो ऑनर्स पेपर है वो ऑनर्स वाला सिलेबस चेक कर लीजिएगा। ठीक है, और देख लेते हैं। तो आपका जो क्वेश्चन आ जाता है तो प्रैक्टिकल भी रहता है ना, तो यहाँ पे प्रैक्टिकल के साथ में जानेंगे कि क्वेश्चन किस टाइप से आएंगे। ठीक है, और एक में समझ जाइएगा, बाकी सब में आपका उसी टाइप से आएगा। देखिए यहाँ पे बोला गया है, लेकिन जैसा बोला गया वैसा नहीं रहेगा क्योंकि प्रैक्टिकल है। तो यहाँ पे बोला गया कि 75 मार्क्स का आपका एक्सटर्नल होगा, ऐसा नहीं होता है, प्रैक्टिकल होता है आप लोग का ना, तो आप लोग का क्वेश्चन कुछ दूसरे टाइप से आता है। ठीक है, इसको छोड़िए, जब एग्जाम में दीजिएगा तो पता चल जाएगा कितने मार्क्स का आता है। और प्रीवियस ईयर पेपर देख लीजिएगा, मैंने बनाए हैं, प्रीवियस ईयर पूछा गया। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले सेमेस्टर 1 में जो मेजर पेपर 1 होता है, पहला पेपर, उस पेपर का नाम है आपका इवोल्यूशन ऑफ ज्योग्राफिकल थॉट्स, यानी कि भौगोलिक विचारधाराओं का उद्भव। ठीक है, इवोल्यूशन और ज्योग्राफिकल यानी कि भौगोलिक, थॉट्स मतलब विचारधाराएं। ठीक है, तो इसमें आपको ये सारे विचारधाराओं के बारे में पढ़ने हैं, इसमें आपके टोटल 5 यूनिट है। ठीक है, ये 5 यूनिट आपको पढ़ने हैं, आप इन सभी का हिंदी ट्रांसलेट कर लीजिएगा, चाहे नेट में एक एक करके सर्च मारिएगा हिंदी में और सबको पढ़ लेना है, या फिर अगर आप बुक लेना चाहते हैं तो ये रेफरेंस की जो बुक दी गई है आप इसमें से खरीद सकते हैं, या फिर कोई भी गेस्ट पेपर जैसे आपका प्रोफेसर गेस्ट पेपर हो गया वो खरीद के आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, सेमेस्टर 1 का पहला पेपर क्या है? मेजर पेपर 1। ठीक है, आगे देखते हैं। तो सेमेस्टर 1 में ही दूसरा पेपर है आपका और इस पेपर का नाम है सेक पेपर, सेक पेपर 1। इसमें आपको पढ़ना है, जो लोग रखते हैं ज्योग्राफी को सेक पेपर में उनको पढ़ना होता है फील्ड टेक्निक एंड सर्वे मेथड के बारे में। ठीक है, इसमें आपको अमीन का पढ़ाई जनरली सोच लीजिए वही है। ठीक है, ये आपका 4 को यूनिट है, ये 4 यूनिट से आपको पढ़ना है।
ठीक है। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट आता है सेमेस्टर टू। सेमेस्टर टू में पहला पेपर है आपका मेजर पेपर टू, और इसमें आपको पढ़ना है फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में। क्या पढ़ना है? फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में, यानी कि भौगोलिक भौतिक भूगोल के बारे में, ठीक है, भौतिक भूगोल के बारे में पढ़ना है। और ये जो पढ़ने हैं ये आपके ये 5 यूनिट पढ़ने हैं, ठीक है। इसमें महासागर, टेक्टोनिक प्लेट्स, सब यही सब पढ़ना है, इरोजिन जितना भी होता है, साइक्लोन, ठीक है, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है, फ्लोरा फौना, इन सब के बारे में आप पढ़िएगा, ठीक है, भूकंप, ज्वालामुखी, वोल्केनो, इन सब के बारे में तो आपको पढ़ लेना है ये 5 यूनिट। आप जिस भी सेमेस्टर में हैं, आप पहले उस सेमेस्टर का पूरा नोट्स तैयार कीजिएगा, घर में सिलेबस को अपने कॉपी में नोट कीजिएगा, उसके बाद एक एक करके गूगल में सर्च मार मार के पढ़िएगा, चाहे गेस्ट पेपर लेके पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैं ऑलरेडी अपलोड कर दिया हूँ चैनल पे, उसको भी देख लेना है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी अपलोड कर दिया हूँ, और जिसका नहीं किया हूँ उसका जल्दी ही कर दूंगा। नेक्स्ट है आपका सेमेस्टर टू में मेजर पेपर थ्री, और इसमें सॉरी मैंने प्रैक्टिकल का नहीं बताया ना, चलिए प्रैक्टिकल का भी बताता हूँ शुरू से। तो जैसे ही आपका सेमेस्टर वन हो गया मेजर पेपर, तो इसमें आपको प्रैक्टिकल भी पढ़ना है, ठीक है। और प्रैक्टिकल वाला कहाँ दिया गया सिलेबस? प्रैक्टिकल का सिलेबस यहाँ पे नहीं दिया है यार, प्रैक्टिकल का सिलेबस यहाँ पे नहीं दिया गया है, कोई बात नहीं, होगा कहीं पे। देखिए ये जो आपका ज्योग्राफी सेक पेपर है ये आपको पढ़ना है, और प्रैक्टिकल जो जमा करना पड़ेगा ये वाला है, ठीक है। इसमें आपको ये 3 पॉइंट से आपके प्रैक्टिकल होते हैं, और प्रैक्टिकल आपका एग्जाम के बाद होता है, ठीक है। आगे देखते हैं सेमेस्टर टू, तो इसमें मेजर पेपर थ्री जो भौगोलिक ज्योग्राफी है, ठीक है, भौतिक ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, इसमें आपको ये सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं। और प्रैक्टिकल की बात करें तो प्रैक्टिकल नहीं दिया गया है ना, देन है आपका मेजर पेपर थ्री, इसमें आपको प्रैक्टिकल वन है, और इसमें आपको पढ़ना है कार्टोग्राफिक टेक्निक्स के बारे में, ठीक है। और ये देख लीजिए आपका प्रैक्टिकल है, तो इसमें आपको ये 4 टॉपिक 5 टॉपिक पढ़ने हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, तो अगला है आपका यहाँ पे सेक पेपर, और सेक पेपर सेमेस्टर टू में पढ़ना है, सेक पेपर टू, इसमें आपको पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड जीपीएस के बारे में, ठीक है। तो जो लोग सेक पेपर को सेमेस्टर टू में ज्योग्राफी के रूप में रखते हैं, आपको ये 5 टॉपिक पढ़ने होंगे, ठीक है, 5 टॉपिक। आगे देखते हैं नेक्स्ट, तो आता है सेमेस्टर थ्री। सेमेस्टर थ्री में पहला पेपर है मेजर पेपर फोर, और इसमें आपको पढ़ना है ह्यूमन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी, यानी कि मानव और सेटलमेंट, सेटलमेंट को क्या बोलिएगा, विस्थापन ज्योग्राफी, ठीक है। तो इसमें आपको टोटल 5 यूनिट पढ़ने हैं, ये 5 यूनिट मैं जल्दी से पार कर देता हूँ, आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगा, पीडीएफ से आप लोग चेक कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। हल्तु में टाइम क्यों लूंगा, इसमें कुछ बताने लायक है ही नहीं, जो समझाना है समझा दे रहा हूँ। फिर आपका मेजर पेपर फाइव, इसमें आपको पढ़ना है प्रैक्टिकल टू, और ये आपका है एस्टेटिकल मेथड इन ज्योग्राफी, यानी कि सांख्यिकी का प्रयोग किस तरह से होता है ज्योग्राफी में, इसमें आपको जनरली यही पढ़ना होता है, ठीक है। तो ये अभी आपका 5 यूनिट में है, ये 5 यूनिट इसमें आपको पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, तो सेमेस्टर थ्री, और इसमें आपको पढ़ना है एलिमेंट्री कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में। क्या पढ़ना है? एलिमेंट्री कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। और ये एक मात्र ऐसा सब्जेक्ट है आपका पूरा पूरा ग्रेजुएशन में जो आपका ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा भी हुआ है कि ओएमआर सीट में आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, 75 क्वेश्चन आएगा ओएमआर सीट में, और ये क्वेश्चन आपका हो सकता है इंग्लिश में आए, केवल और केवल इंग्लिश में, ओनली इंग्लिश, हाँ ओनली इंग्लिश, क्योंकि सेमेस्टर थ्री का मारवाड़ी कॉलेज का एग्जाम हो चुका है, और वो भी रांची यूनिवर्सिटी के अंडर में आता है, वहां पे जो एग्जाम हुआ पूरा का पूरा पेपर इंग्लिश में आया, ठीक है। हालांकि इंग्लिश हिंदी दोनों में आ सकता है, क्योंकि रांची यूनिवर्सिटी दोनों में देता है। अब देखा जाए क्या होता है, तो आपको इसमें पढ़ना है कंप्यूटर के बारे में, बेसिकली कंप्यूटर क्या है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट, ठीक है, और डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल एजुकेशन, यही सब के बारे में पढ़ना है। आगे देखते हैं सेमेस्टर फोर, इसमें आपको पढ़ना है वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी के बारे में, यानी कि वैश्विक क्षेत्रीय भूगोल, ठीक है, वैश्विक क्षेत्रीय भूगोल के बारे में पढ़ना है। तो देखिए इसमें जो आपकी यूनिट है ये 5 यूनिट है, ठीक है, विश्व का लगभग लगभग सब चीज, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, मतलब पांचों
सॉरी सातों कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ना है, सातों महादेश के बारे में। नेक्स्ट आपका यहाँ पे मेजर पेपर 7 और इसमें आपको पढ़ना है फंडामेंटल्स ऑफ रिमोट सेंसिंग एंड GIS। ठीक है, तो रिमोट सेंसिंग एंड GIS के बारे में इसमें आपको पढ़ना है, किस तरह से काम करता है रिमोट सेंसिंग, इसका अर्थ क्या होता है, GIS क्या होता है, ठीक है, जियोस्टेशनरी, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट, तो आपका है मेजर पेपर 8 और इसमें आपको पढ़ना है प्रैक्टिकल्स, और ये आपका प्रैक्टिकल जो है रिमोट सेंसिंग एंड GIS पे आधारित है। ठीक है, तो रिमोट सेंसिंग एंड GIS देख लीजिए, ये आपका सिलेबस है, सिलेबस 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 वगैरह है, कैसे कैसे। नेक्स्ट आता है यहाँ पे सेमेस्टर 5 और सेमेस्टर 5 में आपको पढ़ना है मेजर पेपर 5, इसमें आपको पढ़ना है इकोनॉमिक जियोग्राफी के बारे में। ठीक है, और जितना भी माइनर पेपर है उन सब का मैं लास्ट में बताऊंगा माइनर पेपर का सिलेबस। ठीक है, जियोग्राफी माइनर पेपर का, तो यहाँ पे देखिए इकोनॉमिक जियोग्राफी, इकोनॉमिक जियोग्राफी में पढ़ना है आपको आर्थिक भूगोल के बारे में। ठीक है, इसमें आपको बेरोजगारी, फूड, मैन्युफैक्चर, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, मतलब सब कुछ पढ़ना है। ठीक है, हम लोग बोलते हैं ना प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्षेत्र, चतुर्थक क्षेत्र, यही सब आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर है आपका ज्योग्राफी मेजर पेपर 10 में, इसमें पढ़ना है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड झारखंड, इसमें झारखंड और भारत दोनों का भूगोल पढ़ना है, और इसमें आपको साथ में देखना पड़ेगा कि झारखंड के सबसे ऊंचा पर्वत क्या है, मुख्य भोजन क्या है, फसल कैसी है, इंडस्ट्रियल एरिया कैसा है। ठीक है, एज वेल एज आपको इंडिया का भी वैसा ही पढ़ना पड़ेगा। आगे देख लेते हैं, फिर है आपका मेजर पेपर 11 और इसमें आपको प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल 4, 4 को प्रैक्टिकल, मतलब हर सेमेस्टर में आपको एक प्रैक्टिकल देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसमें आपको पढ़ना है इंस्ट्रूमेंट क्या है आपका, इंस्ट्रूमेंटल सर्वे एंड सोशियो इकोनॉमिक रिप प्रोजेक्ट वर्क। ठीक है, तो आपका सोशल इकोनॉमिक सामाजिक आर्थिक प्रोजेक्ट के कार्यक्रम के बारे में पढ़ना होगा। ठीक है, जनरली ये नया एजुकेशन पॉलिसी में सब नया नया कर दिया है। ठीक है, पहले ये सब नहीं हुआ करता था, अब आपको नया नया पढ़ना है, और ये आपके 4 को यूनिट है, ये 4 यूनिट से पढ़ने हैं, और प्रैक्टिकल रिकॉर्ड भी यहाँ पे दे दिया गया है। ठीक है, आगे देख लेते हैं, तो फिर आता है यहाँ पे सेमेस्टर 6, सेमेस्टर 6 में आपको पढ़ना है मेजर कोर्स MJ-12 के बारे में। ठीक है, और MJ-12 में आपको पढ़ना है पॉपुलेशन ज्योग्राफी, इसमें आपको वर्ल्ड का पॉपुलेशन, भारत का पॉपुलेशन, विश्व का पॉपुलेशन, और आपको झारखंड का पॉपुलेशन का भी पढ़ना है। ठीक है, साक्षरता दर क्या होता है, पॉपुलेशन डेंसिटी यानी कि जनसंख्या घनत्व तो क्या होता है, किस देश का जनसंख्या कितना है, लिंग अनुपात क्या है, इन सब के बारे में पढ़ना पड़ेगा, लिटरेसी रेट क्या है। ठीक है, अगला है आपका यहाँ पे मेजर पेपर 13 और इसमें आपको पढ़ना है एग्रीकल्चर ज्योग्राफी यानी कि कृषि भूगोल के बारे में पढ़ना है। ठीक है, इसमें आपको टोटल 5 यूनिट पढ़ना है, कृषि भूगोल कैसे किया जाता है, पानी कितना चाहिए, इन सब के बारे में। ठीक है, मैं शॉर्ट में पार कर रहा हूँ, आप लोग पढ़ लीजिएगा डिटेल में। नेक्स्ट है आपका मेजर पेपर 14, इसमें आपको पढ़ना है रीजनल प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के बारे में। ठीक है, यानी कि क्षेत्रीय योजना और विकास। ठीक है, क्षेत्रीय योजना और विकास, तो इसमें आपको जो पढ़ने हैं टोटल 5 यूनिट पढ़ने हैं। जनरली जो आपको प्रत्येक सेमेस्टर में या तो 5 यूनिट पढ़ना होता है या फिर 4 यूनिट पढ़ना होता है। ठीक है, फिर आता है आपका प्रैक्टिकल, तो प्रत्येक सेमेस्टर में एक प्रैक्टिकल है, मेजर पेपर 15 आपका प्रैक्टिकल है, और इसमें आपका प्रैक्टिकल्स क्या है, प्रैक्टिकल 5 में फिजिकल सर्वे प्रैक्टिकल। ठीक है, यानी कि जितना भी भौतिक सर्वे होता है उसका प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल को हिंदी में बोलते हैं प्रोजेक्ट, और ये आपके टोटल 4 को यूनिट है। ठीक है यार, कुर्सी में बैठ बैठ के थक जाता हूँ, सही बता रहा हूँ, घूमने का मन करता है। चलिए आगे देखते हैं, तो नेक्स्ट आपका यहाँ पे, आपका साउंड दूर से सुनाई दे रहा होगा इसलिए सामने आ जाता हूँ। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे सेमेस्टर 7 और इसमें आपको पढ़ना है सेमेस्टर 7 में मेजर पेपर 16, पहला पेपर रहेगा, इसमें पढ़ना है नेचुरल रिसोर्सेस मैनेजमेंट एंड एनवायरमेंटल ज्योग्राफी यानी कि पर्यावरण के बारे में पढ़ना है। ठीक है, पर्यावरण भूगोल, तो इसमें आपका पर्यावरण का पिता कौन है, पर्यावरण किसे कहते हैं, जैवमंडल किसे कहते हैं, एनवायरमेंट किसे कहते हैं।
ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, इन सब के बारे में पढ़ना है। अगला है हमारा यहाँ पे मेजर पेपर 17, और इसमें आपको पढ़ना है सोशल एंड ट्राइबल ज्योग्राफी के बारे में, यानी कि सामाजिक और ट्राइबल को बोलते हैं जनजाति ना, तो जनजाति ज्योग्राफी के बारे में पढ़ना है। इसमें आपको विश्व के प्रमुख जनजाति, भारत के प्रमुख जनजाति, समाज, इन सभी के बारे में जानना है, कैसे उनका उद्भव हुआ, कैसे विकास हुआ। ठीक है, नेक्स्ट आपका यहाँ पे, तो अगला है हमारा यहाँ पे मेजर पेपर 18, और इसमें आपको पढ़ना है ट्रांसपोर्ट एंड टूरिज्म जियोग्राफी के बारे में, यानी कि जितना भी हमारा पर्यटन है इन सब के बारे में। ठीक है, और इसमें आपको जल मार्ग, वायु मार्ग, स्थल मार्ग, तीनों के बारे में पढ़ना है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो फिर आता है आपका प्रैक्टिकल, जो कि मेजर पेपर 19 में है, और प्रैक्टिकल मेजर पेपर 19 में आपको पढ़ना है एडवांस कार्टोग्राफी। ये क्या है कार्टोग्राफी यार, मैं फर्स्ट टाइम नाम सुन रहा हूँ। ठीक है, तो प्रैक्टिकल पेपर 6 रहेगा, और इसमें आपको एडवांस्ड कार्टोग्राफी के बारे में पढ़ना है, और इसमें टोटल आपके जो यूनिट दिए गए 5 यूनिट है। ठीक है, तो जनरली इसमें आपको मैपिंग वगैरह के बारे में पढ़ाया जाएगा, मैप के बारे में, मानचित्र के बारे में। ठीक है, आगे देख लेते हैं। और यहाँ पे आपका ये पार्ट भी दिया गया है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, केस स्टडी है इसमें। अंतिम में आपका यहाँ पे मेजर पेपर, सॉरी सेमेस्टर राइट, और इसमें आपको पढ़ना है मेजर पेपर 20। ये आपका अंतिम मेजर पेपर है, इसके बाद और मेजर पेपर नहीं आएगा, और इसमें आपको पढ़ना है जियो मॉर्फोलॉजी के बारे में। ठीक है, पर्वत, पठार, जितना भी है आपका पृथ्वी की अंदर की संरचना, क्लाइमेटोलॉजी, ठीक है, इन सब के बारे में आपको इसी में पढ़ना पड़ेगा। और देख लेते हैं अर्थ वगैरह, मूवमेंट वगैरह, टेक्टोनिक प्लेट्स वगैरह, ठीक है, सब यही पे। इसके बाद आता है आपका यहाँ पे एडवांस मेजर पेपर, AMJ पहले था, अब आता है आपका एडवांस मेजर पेपर, और ये आपको तीनों को देखने पड़ेगा, एडवांस मेजर पेपर 1, 2, 3, बस तीनों को है। ठीक है, और अर्बन ज्योग्राफी देखिए, इसमें जो है आपको पढ़ना है अर्बन ज्योग्राफी, अर्बन मतलब होता है शहरी, नगर, तो नगर का ज्योग्राफी पढ़ना है इसमें आपको। ठीक है, नगरीय भूगोल इसको हिंदी में बोलते हैं, ये 5 यूनिट है। ठीक है, और नेक्स्ट आपका है यहाँ पे एडवांस मेजर पेपर 2, इसमें आपको पढ़ना है सोइल एंड हाइड्रोलॉजी के बारे में, यानी कि मिट्टी एंड हाइड्रोलॉजी को क्या बोलेगा, जल विद ना, हाँ, तो मिट्टी और जल के बारे में जनरली इसमें आपको पढ़ना है। ठीक है, सोइल और मिट्टी के बारे में। और अंतिम में आपका एडवांस मेजर पेपर 3, जो आपका प्रैक्टिकल है, और प्रैक्टिकल पेपर 7 है, इसमें आपको पढ़ना है एडवांस मेजर प्रैक्टिकल। ठीक है, और ये जो टोटल यूनिट्स है आपके ये है, इसमें आपको pH स्केल, वैल्यू, वाटरफॉल, रेनफॉल, इन सब के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपका मेजर पेपर 20 को खत्म, 3 को एडवांस मेजर पेपर खत्म, सेक पेपर भी हो गया, अब आता है माइनर पेपर। तो जो लोग ज्योग्राफी में माइनर पेपर को रखते हैं, ये आपका इवेन में होता है, मतलब प्रत्येक विषम सेमेस्टर में, सेमेस्टर 1 हो गया, फिर 2 में नहीं होगा, 3 में होगा, फिर 4 में नहीं होगा, 5 में होगा, मतलब 1, 3, 5, 7, ठीक है, ये 4 को माइनर पेपर रहता है, चारों विषम सेमेस्टर में, 1, 3, 5, 7 में। ठीक है, तो देखिए इसमें आपको पहला है, जो लोग ज्योग्राफी को माइनर पेपर के रूप में रखते हैं उनको MN1 यानी कि सेमेस्टर 1 ज्योग्राफी में पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा, अरे भाई बैटरी लो है, एक मिनट देख लेता हूँ यार कितना परसेंट है भाई, 20, चार्ज में लगा दूंगा यार। ठीक है, तो इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा क्या है, इंट्रोडक्टरी ज्योग्राफी, यानी कि परिचयात्मक भूगोल के बारे में। ठीक है, परिचयात्मक भूगोल, चलिए एक मिनट सब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। तो इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, ये आपके 5वां यूनिट है, ये 5वां यूनिट आपको पढ़ने हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, तो अगला है हमारा यहाँ पे माइनर पेपर प्रैक्टिकल 1A। ठीक है, और इसमें जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है माइनर प्रैक्टिकल, सॉरी, तो इसमें आपको प्रैक्टिकल के बारे में ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और ये आपके जो यूनिट है मात्र 2 का यूनिट है, और यहाँ पे प्रैक्टिकल रिकॉर्ड के बारे में बताया गया है। देन आता है सेमेस्टर 3 में, तो जो लोग माइनर पेपर में सेमेस्टर 3 में रखिएगा, थोड़ा सा साउंड का इश्यू हो सकता है, ये आपका सिलेबस है माइनर पेपर 1B सेमेस्टर 3 के लिए। इसमें आपको पढ़ना है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड झारखंड। ठीक है, भारत और झारखंड का ज्योग्राफी, ये 5 का यूनिट है।
और ये आपका प्रैक्टिकल पेपर है, ठीक है, प्रैक्टिकल। आगे देखते हैं तो सेमेस्टर थ्री का आता है फिर, सेमेस्टर थ्री माइनर वन सी, और इसमें आपको पढ़ना है एनवायरमेंटल ज्योग्राफी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि पर्यावरण भूगोल और सतत विकास के बारे में, ठीक है। तो ये आपका ये पांच गो यूनिट हो गया, इसमें आपको पढ़ना है, ठीक है, और ये आपका प्रैक्टिकल है। तो बस प्रत्येक सेमेस्टर में आपको एक प्रैक्टिकल पढ़ना पड़ेगा, और अंतिम आता है आपका माइनर पेपर वन डी, जो कि सेमेस्टर सेवन में आपको पढ़ना है। इसमें आपको पढ़ना है क्लाइमेट के बारे में, यानी कि आपका क्लाइमेट चेंज, ठीक है, वल्नरेबिलिटी एंड अडेप्टेशन के बारे में। तो देखिए इसमें आपको जनरली जलवायु के बारे में पढ़ना है। तो ये है पांच गो यूनिट जलवायु से संबंधित, और ये आपका प्रैक्टिकल, इसके बाद खत्म, इसके बाद और चैप्टर नहीं है। तो बस 50 पेज का पीडीएफ है, तो अपना अपना सिलेबस यहाँ से निकाल लीजिएगा, जो भी आपका है स्क्रीनशॉट मार के पढ़ लीजिएगा। मैं पीडीएफ वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, बाय। और डिटेल में बाकी जितने सब्जेक्ट के सिलेबस, जैसे एमडीसी हो गया, एसी पेपर हो गया, उन सब का सिलेबस का ऑलरेडी अलग से बना दिया हूँ और बना दूंगा, जिनका अपलोड नहीं किया उनको अपलोड कर दूंगा, ठीक है, बाय।